नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। फ्री की रेवड़ी यानी कि जो फ्री की जो मुफ्त खोरी है वो बढ़ रही है। जैसे कि अब सरकारें हैं, राज्य में सरकारें हैं, जब इलेक्शन होते हैं तब फ्री खोरी शुरू हो जाती है, मुफ्त खोरी शुरू हो जाती है, जिसमें वो नए नए वादे करते हैं कि मुफ्त में बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब फ्री मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो ऐसे वादे कर भी चुके हैं, जैसे कि केजरीवाल हैं। दूसरी तरफ एक बार प्रियंका गांधी ने भी ये कहा था, भाई मैं तो स्कूटी दूंगी। अब स्कूटी कहाँ से दोगी ये भी तो बताइए। आज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 लाख करोड़ रुपए का राज्य सरकारों पर कर्ज है। राज्य सरकारों पर है, भारत की जो केंद्र की सरकार है उस पर नहीं है, राज्य सरकारों पर 70 लाख जो है करोड़ रुपए का कर्ज है। जिसमें बात करें पंजाब की तो 3 लाख करोड़ रुपए उस पर कर्ज है, राजस्थान पर 4 लाख करोड़, महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़, तमिलनाडु में है 6 लाख करोड़। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 3-3 लाख करोड़ इनके भी हिस्से में आते हैं। वहीं बिहार में भी 3 लाख करोड़। इसके अलावा बंगाल की बात की जाए तो 4 लाख करोड़, यूपी की बात की जाए तो इन पर है 6 लाख करोड़, और वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो 50,000 जो करोड़ रुपए हैं इन पर भी आते हैं। तो इतना कर्ज में ये डूबे हुए होते हुए भी ये मुफ्त के वादे कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इनके कर्जा चुकाने की, तो इनकी जो राज्य सरकार की जो कमाई होती है उससे आधी से ज़्यादा कमाई ये सिर्फ ब्याज चुकाने में लगा देते हैं। ये अभी तक कर्जा तो निपटा ही नहीं पाए हैं, सिर्फ ब्याज को चुकाने में ये अपनी आधी से ज़्यादा कमाई दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब पहुँच चुका है कि ये जो चुनाव से पहले झूठे वादे किए जाते हैं, फ्री खोरी की जाती है, इसको रोकना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में इलेक्शन कमीशन से बात की और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस पर बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर सुनवाई होनी अभी बाकी है। चुनाव से पहले शराब बांटना अगर मुफ्तखोरी है या घूसखोरी है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या स्कूटी बांटने का वादा करना घूसखोरी नहीं है? चुनाव से पहले अगर कोई बर्फी बांटे तो वो घूसखोरी है? इसके अलावा मंगलसूत्र देने का वादा करना, इसके अलावा रंगीन टीवी देने का वादा करना, अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये जमा करने का वादा करना, क्या ये घूसखोरी नहीं है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहा कहाँ? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कि आप बैठकर सोचिए कि 5 सालों में सरकार ने क्या किया है, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए और अपना जो है प्रतिनिधि चुनिए। तो ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वहीं दूसरी तरफ घूसखोरी के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर पार्टी दूसरी पार्टी के कॉम्पिटिशन में उतर आती है और घूसखोरी की रकम भी बढ़ा देती है, जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है राज्यों की ये पूरी नहीं कर पा रहे, अच्छी सड़कें नहीं दे पा रहे, अच्छे स्कूल नहीं दे पा रहे, अच्छे अस्पताल नहीं दे पा रहे, इसके अलावा जो अच्छे प्योर हवा है पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे। जितनी भी बीमारियां आज बढ़ रही हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि पानी और जो हवा है वो शुद्ध लोगों को नहीं मिल पा रही है, खाना पीना नहीं मिल पा रहा। अभी दिल्ली में एक सर्वे किया गया था जिसमें कैंसर की बीमारी बहुत ही बढ़ रही थी, जिसमें अधिकतर मामलों में यही सामने आया कि जो पॉल्यूशन है वही इनके कैंसर का कारण है। तो शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे और रिक्वायरमेंट जो भी है लोगों की वो पूरी नहीं कर पा रहे, उसके अलावा आप फ्री बिजली फ्री पानी देने के वायदा करते हैं, तो ये एक घूसखोरी ही हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इनके लोगों की रिक्वायरमेंट की या फिर इस अपील की कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंची है कि ये एक मुद्दा है कि यहाँ पर जो घूसखोरी है या फ्री के मुफ्त खोरी है, जो पहले लोग जो पार्टियाँ वादे करती हैं, क्या ये करना सही है? ये भी एक अहम मुद्दा है इस चीज़ को रोकने में। आज इनको पैसा मिल रहा है राज्य सरकारों को, वर्ल्ड बैंक से या बाहर से पैसा मिल रहा है, भारत को पैसा मिल रहा है, पर इसके अलावा अगर केंद्र सरकार इनसे कहे कि भाई आप पैसा वापस कीजिए, तो ये सरकार पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। ये बोलेंगे देखिए उड़ीसा के साथ अन्याय हो रहा है, देखिए बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, तमिलनाडु के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है। तो तब इनके पास पैसा नहीं होगा और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये भी अपनी मंशा में या फिर अपनी जो मंशा को सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही कई देश हैं जिससे ऐसी ही चीज़ों से जिसके टुकड़े टुकड़े हो
गए हैं, जो कि टूट गए हैं। कितने देशों में आर्थिक तंगी आई है और इन्हीं चीज़ों से वो टूट गए हैं। तो बहुत सी चीज़ हैं। अब सवाल ये है, मुद्दा ये है कि इन लोगों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जो वादे करती हैं, इन्हें लिखित में बताना चाहिए, बल्कि सबूत के साथ लोगों को बताना चाहिए कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, और ये जो वादे कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। इसके अलावा जैसे ये स्कूटी देने का वादा कर रहे हैं, तो कितने लोगों को ये स्कूटी दी जाएगी, और इस चीज़ से राज्य सरकार और राज्य की स्थिति क्या होगी, ये सारी चीज़ें इन्हें बतानी चाहिए। और जो लोग झूठे वादे करते हैं, ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो ऐसी झूठी पार्टियाँ हैं, झूठे वादे करती हैं, उनकी जो मान्यता है वो कम से कम 10 साल के लिए रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही झूठी पार्टियां हैं जो देश को खतरे में डाल रही हैं, बहुत ही देश के लिए खतरा बनी हुई हैं। तो इसमें ऐसा कोई कैंडिडेट अगर करता है तो उसकी भी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो उसका सिंबल छीन के उस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा कानून हमारे देश में बनाए जाने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की, ये जो लोग वादे करते हैं, सोचते हैं सरकार कर रही है, पर जो रोड बनाने का काम है ये कंपनियां कर रही हैं, एयरपोर्ट कंपनियां बना रही हैं, बाकी चीज़ें कंपनियां बनाती हैं, तो इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है, फिर भी इनके ऊपर इतना कर्जा है। अब ये जो वादे करते हैं, ये झूठे वादे करते हैं, जिसके बाद अगर ये चुनाव जीत जाए तो मीडिया वालों को पैसा देकर खिलाकर अपनी न्यूज़ चलवा देते हैं कि भाई हमने तो राज्य में बहुत विकास किया है और जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो इस तरह के वादे जो लोग करते हैं, इनको रद्द करने देना चाहिए। ये भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो भी मुफ्तखोरी चला रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।